हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज ना सैटरडे का दिन है। तुम जाओगे एंस के पास? जाओ एंस के पास, जाना फटाफट। मैं कर रही हूँ तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, एक तरफ ना अंडा बॉइल कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे फटाफट से ना ब्रेकफास्ट बनाना है और आज छुट्टियों का दिन है। तो सोचा है थोड़ा सा घूमने जाऊंगी। सोचा था सुबह ही जाने के लिए, लेकिन रात में ना अच्छे से सो नहीं पाया। अयंश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसके लिए मैं ना आराम से सोए रह गई 8 बजे तक। हस्बैंड उठा रहे थे, मैं बोली कि नहीं मुझे सोने दीजिए, मैं तक सोऊंगी, पानी आएगा तो उठूंगी। तब जाके मैं उठी और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं जल्दी उठ जाती ना तो पूरा दिन लेजी ऐसा होता। अभी एकदम फ्रेश लग रहे हैं तो मैंने आटा भी गूंथ लिया है। अभी फटाफट से रोटी बनाऊंगी, अंडा बॉईल कर रही हूँ, अंडा को फ्राई करूंगी हल्का सा मसाला देके, प्याज व्याज देके, फिर उसके साथ हम लोग खा लेंगे। और आज सोचा है फिश लाऊंगी क्योंकि आज सैटरडे के दिन ही हम लोग ज़्यादातर नॉनवेज खाते हैं, तो फिश लेकर आएंगे। मार्केट जाएंगे थोड़ा घूमने, उधर से घूम भी लेंगे और जो भी चीज़ें लेना है लेकर आ भी जाएंगे। और ये लड़का पता नहीं इसको रात को क्या हो गया था, क्या हुआ था इसको, कभी इधर अलट पलट के सो रहा था, कभी इधर सो रहा था, कभी उधर सो रहा था, कभी मेरे देह पे आके सो जा रहा था। रोना धोना चालू था इसका। क्या हुआ अब इसको, क्यों लेकर आई, क्यों लेकर आई ये बदमाश को? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गिर जाएगा। हाय, बैठो बैठो नीचे बैठो, दिन भर गोदी में नहीं रहने का, नीचे बैठ के खेलने का। नीचे बैठा दो तो इधर पानी की तरफ आएगा, नहीं तो फ्रिज को खोलेगा। कितना भी ढक के रख दो अच्छे से, इसको छूता ही है। और रात को ना मैंने सारे कपड़े यहीं पे सुखा दिए थे, पूरा भर गया, इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था ना उधर। इतना रस्सी पे ना ज़्यादा कपड़ा आता नहीं है, थोड़ा बहुत उधर भी डाले थे और बाकी जितना भी कपड़ा बचा सब इधर ही डाल दिए थे। पता नहीं बाल बनवाती नहीं, इसका बाल ना कटवाना बहुत ज़रूरी है। मैं ना लाल चाय बना रही हूँ और यहाँ पे अंडा भी बॉईल हो गया है। ये छोटा सा कटोरा है ना बहुत काम का है, इसमें मैं चाय भी बना लेती हूँ, अंडा भी, चार अंडा तो अच्छे से बॉईल हो जाता है। मैडम चलिए, ओहो आइए आइए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर। अंडा को मैंने फ्राई करके निकाल लिया, तवे पे मैंने फ्राई किया है और कट करके किया था, उस तरीके से बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी मैंने मस्टर्ड डाल लिया था कढ़ाई में, फिर सिर्फ मैंने इसमें हरी मिर्च डाला, फिर प्याज डाल दिया था। प्याज को भुनने के बाद मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं किया है, बाकी जो भी मसाला आप डेली के खाते हो ना वो सब डाल लीजिए। और उसके बाद मैंने पानी डाल के ना मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और अभी देखिए मसाला अच्छे से भून गया है ना, फिर उसके बाद जो फ्राई किया वो अंडा था ना उसको डाल देंगे, थोड़ा देर और इसको भूनेंगे ढक के एकदम धीमी आंच पे, थोड़ा सा लाल हो जाइए। और ये एकदम लतपत टाइप का रहता है, सूखा सूखा रहता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर कभी ट्राई नहीं किया है तो जरूर करिएगा, इस तरीके का बना के जरूर खाइए। मेरा गॉगल्स वो भी चमकीला वाला, तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, पूरा 11 बज गया था। वैसे घर में काम इतना होता है ना कि काम ख़त्म करते करते टाइम ही हो गया इतना ज़्यादा, और पानी की वजह से ना हम लोगों को अक्सर रुकना पड़ता है, पानी भर के ही कहीं जाना होता है। तो मेरे घर में 8 बजे पानी आता है, तो 8 बजे के बाद जाओ, मतलब पानी भरने के बाद जाओ, नहीं तो उससे पहले एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा तभी घूम पाएंगे। तो आज तो लेट हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, आज तो मुझे मन था कि नहीं चलेंगे चाहे कितना भी लेट हो गया। तो अभी हस्बैंड बोल रहे थे चलो इधर से राउंड लगा के आ जाते हैं मार्केट से, फिर उनका प्लान चेंज हो गया, वो बोले कि चलो तुम्हें ना डैम घुमा के लाते हैं, बदलापुर का जो डैम है ना वहाँ तक लेके जाते हैं। मुझे पता नहीं था कि इतना दूर है और उधर वो कितनी बार जा चुके हैं, तो मैं सोच चलो घूमे नहीं है उधर, गए भी नहीं है बदलापुर में ना, पता है कब से मैं रह रही हूँ लेकिन पूरा बदलापुर आज तक घुमा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, क्योंकि पैदल इतना घूम नहीं सकते हैं, स्कूटी था नहीं मेरे पास और ऑटो से कितना सफ़र करेंगे है ना, तो इसके लिए अभी स्कूटी लिया है तो अभी मस्त घूमेंगे। अभी
अभी हम लोग जिधर आए हैं ना वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, रास्ता भी इधर का बहुत ही मस्त है, पूरा मनाली वाला फील आ गया इधर आए ना। और हस्बैंड बोल रहे थे अगर सुबह आती ना तो ये जगह ना एकदम जन्नत जैसा फील होता है सच में, चारों तरफ पेड़ पौधे और इतना अच्छा लग रहा था ना। तो ये है नदी और यहाँ पे ना हस्बैंड बता रहे थे बारिश के मौसम में ना यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं इंजॉय करने के लिए। और अभी तो बारिश नहीं है, इतनी गर्मी है तो पानी भी नहीं दिख रहा था, नदी पता ही नहीं चल रहा था। सो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं डैम के पास। हाँ, पेड़ के पास जा रहे हैं, इधर ही से तो अच्छा दिख रहा है। सुबह में प्लान था हम लोग को आने का लेकिन हम लेट ही उठे हैं ना, क्या करें। तो सोचे चलो घूम के आते हैं, क्या कर रहे हैं। और अभी देखिए नाश्ता करके आया ना तो फिर टेंशन नहीं है। ये देखिए नदी है, कितना बड़ा नदी है, पहली बार मैं इधर आ रही हूँ। हस्बैंड तो कितनी बार आ चुके हो लेकिन मैं पहली बार आ रही हूँ। हाँ तो मैं अभी तक आई नहीं थी, तुम कहाँ से आएगी, चारों तरफ ना जंगल ही जंगल है इधर। चलो दिशानी, चलो पापा वहाँ पे वेट कर रहे हैं, आजा दिशु आजा, साइड से आना। कितना चढ़ाई है ना, इतनी दूर में हालत खराब हो गया, बहुत ज्यादा चढ़ाई। भाई देखिए इधर से उतना ही दूर से आने में ना पैर दुख गया। आयांश तो मस्त सो के उठ गया, अपना नींद पूरा कर लिया, इसको हवा लगा ना एकदम मस्त तो ये सो गया। वैसे भी इसको नींद आ रही थी। इधर ही आप पिकनिक मनाने आते हैं ना बेबी, इसके आगे इधर ही ज्यादातर लोग आते हैं पिकनिक मनाने। और इधर ना, और लोनावला किधर है, मतलब इधर ही से जाते हैं क्या? पानी के बोतल लेकर आए थे, एकदम ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी। आयांश क्या हुआ, किधर आ गए तुम? आज पहली बार इतना दूर आया घूमने। और लगता है सर क्या बोलते हैं, गाड़ी का ऑयल खत्म। ये वाला पेड़, ये कौन सा पेड़ है? मनाली हम लोग गए थे ना तो वहाँ पे अलग ही पेड़ था, वो पेड़ का नाम मैं भूल चुकी हूँ। और यहाँ देखिए मुंबई में महाराष्ट्र में ऐसा पेड़ होता है चारों तरफ। और किसी को पता होगा तो बताइएगा ये कौन सा पेड़ है, मुझे तो पता ही नहीं है। आयो हैंस, ये पेड़ की वजह से ना नदी दिख नहीं रहा है, नहीं तो इतना बड़ा नदी एकदम साफ सुथरा पानी यहीं से सप्लाई होता है। गए जब भी हम लोग घर आ गए हैं, एकदम से थक गए हैं, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर था। और मार्केट से जो भी चीज़ें लेकर आना था सब लेकर आ गए हैं, अभी फटाफट से ना तरबूज काटेंगे, तरबूज खाएंगे। अच्छा हुआ था कि हम लोगों ने एकदम भर पेट दबा के खा के गए थे, ये तो भूख से तो हालत खराब हो जाती है ना बेटा। साफ सफाई का काम चल रहा है, एक जोस फैन का जो ऑयल होता है ना, ऑयल सब गिर गिर के ना देखिए कैसे यहाँ पे ना काई लग गया था इस टाइप का। और इतना टाइम मिलता नहीं साफ सफाई करने का, तो अभी हम लोगों ने सोचा है, हस्बैंड तो वैसे भी वो सफाई में लग गए हैं, पूरा बैग वैग धो रहे हैं, त्रिशानी का स्कूल बैग और उनका लैपटॉप बैग जो है ना वो सब धो रहे हैं, मैं ये साफ़ कर रही हूँ। और अभी ना एक जोस फैन भी साफ़ करना है उसको निकाल के, तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है यहाँ पर, पूरा काई लगा हुआ था उसमें से सब, ये सारा इसमें से निकला है, इसको साफ़ किया है चाकू से, ये वाला चाकू से, इसमें ना धार नहीं है। और अभी ना मैं ये इसको साफ़ कर रही हूँ, इसमें देखिए कितना मिट्टी है, बापरे इसको ना निकाल के जितना भी है इस टाइप का जाले वगैरह ये सबको साफ़ करके फिर गीला कपड़ा करके ना पोंछना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना पतला दिया हुआ है ना कि इसमें ना मैंने एक ब्रश भी ख़रीदा था साफ़ करने वाला, ये इसके अंदर घुसा ही नहीं हो, तो ब्रश भी बेकार हो गया और ये साफ़ भी नहीं हो पाता है, इतना सारा कचरा।
तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। ये देखिए एक जो उस फैन को निकाला है अभी, इसमें से ऑयल निकला है। ये कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है बाबरे, इसको तो देख के साफ करने का मन नहीं कर रहा है। और इसके फैन की हालत देखिए बाबा, ओ माय गॉड, ये तो चिपचिपा सा हो गया है पूरा से। वो तारपिन का तेल है ना, वो तेलवा दीजिए। सो गाइज, अभी पूरा अच्छे से साफ कर दिया है मैंने। और जो उस फैन देखिए कितना साफ दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से मैंने क्लीन किया है, पूरा खोल के क्लीन किया है। बहुत टाइम लग गया इसको साफ करने में, लगभग एक घंटा लग गया। और पूरा विंडो साफ हो गया है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रिज का ना ऊपर का कवर जो था ना, वो पूरा फट गया था, तो उसको मैंने हटा दिया है, फेंक दिया है। तो अभी फ्रिज का कवर भी दूसरा मंगाना होगा। और थोड़ा बहुत जो इस पे सामान रखा था, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, मिक्सर जार है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। बाहर से फ्रिज को साफ़ किया है, अंदर से भी क्लीन करना था। वैसे अंदर से साफ़ ही है, थोड़ा बहुत सामान हटा के साफ़ करना था, लेकिन इतना टाइम हो गया ना कि मैं इसको छोड़ दी। और यहाँ पे चावल बनके रेडी है। और दिन में आज ना मैंने फिश करी बनाया था, तो वही रात में भी खाएंगे। और चावल अभी बना लिया है, बाकी जो भी थोड़ा बहुत ये बर्तन डब्बा उब्बा था उसको मैंने धो लिया है। और ये वाला एरिया ना कल रात को मैंने क्लीन किया था, तो ये बास्केट भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो ये सब क्लीन किया कल रात को। डेली थोड़ा थोड़ा ना क्लीन कर रहे हैं ताकि साफ़ सफाई हो जाए। इधर का एरिया भी क्लीन ही है। और इतना ज़्यादा गर्मी लग गया ना कि मैं तो मस्त नहाई हूँ, तब जाके अच्छा लग रहा है। आया इसको भी नहलाया है, और देखिए ऑयल नहीं लगाया, तो इसका बाल कैसा हो गया, एकदम उजरा उजरा सा। तो अभी आया सोया हुआ था, अभी जस्ट उठा है। तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, गर्मी की वजह से ना हालत खराब है सच में। तो अभी खाना खा के ना सोचा है थोड़ा बाहर जाऊंगी, आइसक्रीम खाने। खाना खाने के बाद ना आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है मेरा, तो अभी मन है खाने का आइसक्रीम। तो ये पानी पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, फिर शानी को ज्यादा मन है खाने का, इसके लिए सोचा चलो आइसक्रीम खा लेंगे, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। और आज गए थे ना घूमने, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम माइंड फ्रेश हो गया। और थोड़ा बहुत घूमना अच्छा भी लगता है ना। तो पूरा एक राउंड लगाने के बाद, मार्केट का पूरा चक्कर लगाने के बाद, अभी हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और सच में आयांश इतना खुश होता है ना जब भी वो घूमने आता है ना, इस तरीके से रात में खासकर उसको बहुत अच्छा लगता है, लाइट वगैरह उसको दिखता है और पूरा मतलब इंजॉय करता है। वो इतना चिल्लाता है ना, वो बहुत मज़े कर रहा है। अभी 12 बजने वाला इतना ज़्यादा टाइम हो गया, और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मैंने भर भर कर ना ऑयल लगा लिया है, क्योंकि कल ना मुझे हेयर वॉश करके नहाना है। और अभी तक आयन सोया नहीं है, उसको सुलाने के चक्कर में ना इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, इतना ज़्यादा नींद आ रहा है ना, मन हो रहा है कि जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के सो जाऊँ, लेकिन जब तक वो सोएगा नहीं तब तक सो नहीं पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा ब्लॉग है आज का ब्लॉग। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट्स योर ड्रीम।